नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कोरल ड्रॉ 2021 वर्जन के अंदर किस तरह से स्टार प्लस का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, टूल्स पर जाना है और टूल्स पर आपको यहां पर दिखाई देगा पॉलीजन टूल। इस पॉलीजन टूल पर आपको क्लिक करके रखना है और यहां पर आपको दिखाई देगा स्टार प्लस। स्टार पर आपको सिंपल क्लिक करना है और इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। स्टार को आपको ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और उसके बाद आपको इसे सेंटर पॉइंट पर ले आना है। पेज के सेंटर पर लाने के लिए आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से पी भी दबा सकते हैं। पी दबाने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पेज के सेंटर में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है जिससे आपके सामने जूम टूल रिप्रेजेंट हो जाएगा और आपको इस एरिया को यहाँ से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Q जो कि कन्वर्ट लाइन टू कर्व की शॉर्टकट की है। इसके बाद आपको यूज़ करना है F10 यानी कि शेप टूल और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस लाइन पर आपको सिंगल डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ब्लू कलर का डॉट नज़र आ जाएगा। ब्लू कलर का जो डॉट आएगा उसको आपको पकड़ करके रखना है और स्ट्रेटली आपको खींचकर ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरीके से ले जाने के बाद आपको वापस से इस एरिया को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपके सामने ब्लैक डॉट नज़र आएगा। ब्लैक डॉट नज़र आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व का एक टूल बॉक्स। इस टूल पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने दो एरोज नज़र आएंगे। इन एरोज के सेंटर पॉइंट पर आकर के आपको इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लेना है। आप देखेंगे ये हल्का सा रोटेट हो जाएगा। रोटेट करने के बाद ये जो लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है इसके ऊपर वाली, इस पर भी आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस पर सिंगल क्लिक करना है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व लेना है और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ इस तरीके से रोटेट कर देना है। तो ये देखेंगे स्टार प्लस की आपकी शेप आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, पिक टूल यूज़ करना है और यहाँ से आपको इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देना है, जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं। तो हमने रेड कलर फिल कर दिया। अब आप देखेंगे इसकी जो आउटलाइंस है वो ब्लैक कलर की है, तो इस ब्लैक कलर को हमें रिमूव करना है। तो या तो आप इसकी आउटलाइन का कलर रेड कर दीजिए या फिर आप इसकी आउटलाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके आउटलाइन के कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए रेड कलर पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेट आउटलाइन कलर का, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने स्टार बन गया और अब आपको यहाँ से लेना है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल लेने के लिए आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F8 का भी यूज़ कर सकते हैं। F8 जो है वो टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है। यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है स्टार। स्टार क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, विदाउट स्पेस दिए शिफ्ट को दबा के रखना है और Plus टाइप करना है, क्योंकि स्टार प्लस के अंदर स्पेस का यूज़ नहीं होता। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉन्ट का जो स्टाइल लेंगे वो एरियल ब्लैक यूज़ करेंगे और कॉर्नर से पकड़ करके इसको इस तरीके से खींच लेंगे। अपने हिसाब से आप सेंटर में इसको रख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको लेकर आना है और दोनों ऑब्जेक्ट को क्लिक करके रखना है और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है सी। सी का मतलब होता है सेंटर। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+G। Ctrl+G होता है ग्रुप की शॉर्टकट की। अब आप देखेंगे जो दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे वो ज्वाइंट हो चुके हैं यानी ग्रुप हो चुके हैं। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है पी। पी का मतलब होता है पेज का सेंटर, यानी कि ये आप ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। F4 से होता है फोकस। आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली फोकस होकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद इसको प्रीव्यू देखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं F9। F9 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्टार प्लस का लोगो यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये था स्टार प्लस बनाने का तरीका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।